तो दोस्तों जल्दी इंडिया में रेडमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन K20 इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। ये न्यूज़ शोमी इंडिया के वीपी मनु कुमार जैन जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। दरअसल जब वन प्लस 7 प्रो इंडिया में लॉन्च किया गया था तो उसके बाद अगले दिन ही शोमी ने अपने ट्विटर अकाउंट और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पिक्चर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन वन प्लस न्यू फ्लैगशिप। सो ठीक नीचे ही उन्होंने लिखा था कमिंग सून रेडमी K20, और साइड में छोटा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोस्टर में छोटा सा स्नैपड्रैगन 855 देखने के लिए मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो के है उसका मतलब किलर है, कि आपको किलर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगी रेडमी के K20 में। सो गाइस इस वीडियो में आपको रेडमी के K20 की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कब इंडिया में लॉन्च होगा और इसकी प्राइस क्या होगी, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो रेडमी का K20 है उसमें आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। सो गाइज इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सामने वाली साइड तो मिलेगा बट पीछे वाली साइड अभी कंफर्म नहीं है। और इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी बात है और जो शोमी का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। सो गाइज अब बात करें इसके कैमरा की, तो रेडमी के K20 में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 20 MP की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस अब बात करें इसके पीछे वाली साइड के कैमरास की, तो इसमें आपको 3 कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। पीछे वाली साइड एक 48 MP का होगा जो रियर पर काम करेगा, जिसमें आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर होगा, और एक 16 MP का होगा जिसमें आपको वाइड एंगल का कैमरा दिया जाएगा, जिससे आप काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो थर्ड कैमरा देखने के लिए मिलेगा, वो 8 MP का देखने के लिए मिलेगा, जो डेप्थ सेंसर का काम करेगा। रेडमी का K20 में आपको एंड्रॉइड पाई देखने के लिए मिलेगा, जो MIUI 10 पर रन करेगा, और इसमें आपको एंड्रॉइड क्यों का भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा जल्दी। बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें इसकी प्राइस की और लॉन्च डेट की, तो रेडमी के K20 की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो 20,000 से स्टार्ट होगी, और इसमें आपको काफ़ी अच्छे वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे। बात करें इसके वेरिएंट की, तो इसमें आपको एक 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, एक हायर वेरिएंट होगा जिसमें आपको 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस मैं आपको बता दें कि जो रेडमी का प्रो 2 है इसमें आपको हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो पूरी टक्कर देगा वन प्लस 7 प्रो को, क्योंकि वन प्लस 7 प्रो में आपको हेडफोन जैक देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस जो स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी एडवांटेज होगी कि ये स्मार्टफोन के साथ आपको हेडफोन देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस रेडी हो जाए रेडमी के फ्लैगशिप के लिए, तो ये इंडिया में आपको इसी मंथ ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शोमी ने कहा है कि ये कमिंग सून आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसी मंथ में आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो रेडमी के K20 के लिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो देखता रहूं।